अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्न विद शफीक और मैं हूं शफीक। आज आप हजरात के लिए मैं एक कॉइन लेकर आया हूं। एक कॉइन आपको बताऊंगा जो कि अभी कुछ एक्सचेंज में लिस्टेड हो चुका है वो, लेकिन आने वाले वक्तों में, वो आने वाले वक्तों क्या दिनों में ही आपको 10-15 दिन में उसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। वेरी वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए वो कॉइन है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि वो आपको इतना बेनिफिट देकर जा सकता है कि आपकी सोच है। ये मैं आपको ठीक बात कर रहा हूँ, 100% ये मैं आपको सही बात कर रहा हूँ। अभी वो डिप में आया हुआ है, मैं आपको उसके स्टैटिस्टिक्स अगर बता दूँ, अगर आपको सारा कुछ उसकी उसका एनालिसिस करके दिखा दूँ तो आप खुद मान जाएंगे कि वाकई ही वो कॉइन ज़बरदस्त है और आँखें बंद करके उसमें आप एंट्री डाल लेंगे। तो वो कौन सा कॉइन है वो चलिए मैं आपको बताता हूँ वीडियो में। उससे पहले ऐसे अफराद चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आपको जो है ना मार्केट की थोड़ी सी जो है ना वो सूझबूझ तो होगी FTX टोकन की वजह से, FTX एक्सचेंज की वजह से, FTT की वजह से, सोलाना की वजह से काफ़ी मार्केट जो है वो डाउन आई है, डिप आई है। बिटकॉइन भी 15,500 के करीब करीब से होकर ऊपर गया, फिर अब थोड़ा सा स्टेबल हुआ तो खड़ा है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ये और फिर शायद नीचे आए, अदरवाइज़ ये $25,000 पर भी जा सकता है। लेकिन आपने ट्रेड अभी नहीं करनी, जो मैं आपको कॉइन बताऊँगा उसमें अगर आप रिसर्च करके अपनी आप ट्रेड उसमें कर सकते हैं। वो ओवरऑल मार्केट कोई कॉइन आपको लास्ट 24 आवर्स में अप नज़र आ रहे होंगे, कोई आपको डाउन नज़र आ रहे होंगे, यानी कि मिला जुला रुझान मार्केट में इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। तो जो मैं आज आपको कॉइन बताऊंगा उसका नाम जो है वो है जी डिजिटल बिट्स के नाम से है। ये वाला कॉइन है और ये स्पोर्ट्स का कॉइन है, इथेरियम बेस्ड है और अभी ये इसकी आप वेबसाइट भी ओपन करके देख सकते हैं, इसको रीड कर लें, इसका वाइट पेपर भी मौजूद है। और ये डिजिटल बिट्स जो है XDB इसका टोकन है और ये इसकी प्राइस आप देख लें कितनी डाउन आ चुकी है, यानी कि डबल सिफर के बाद 5828 पर इस टाइम मौजूद है। और इसकी एक माह पहले आप इसकी 1 मंथ लो हाई देखें, एक सेंट का होके तकरीबन ये वापस आया है, तो अभी भी ये डाउन है, आधोआध इसकी प्राइस जो है वो डाउन आ चुकी है। तो अगर आप यहाँ से भी इसको बाय करते हैं और एक माह पहले जो इसने हाई लगाया और वहाँ भी आप जो है ना वो इजीली 1x to 2x ईजिली कर सकते हैं। इसकी सप्लाई की बात की जाए, सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू डोज कॉइन और लूना क्लासिक, शिबा इनो, इनसे काफ़ी जो है वो कम इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। तो ये भी इस वजह से मैं इस कॉइन को तरजीह दे रहा हूँ। और सबसे जो बड़ी रीज़न है वो रीज़न है कि फीफा वर्ल्ड कप 20 नवंबर 2022 को अभी शुरू होने वाला है, जिसके जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 12 तारीख है, इसी महीने की 20 तारीख को जो है वो फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और ये कॉइन आपको ईजीली 20x 30x ये दे सकता है। 10x तो कहीं गया ही नहीं, 10x तो मैं सही बात कर रहा हूँ, 10x तो कहीं गया ही नहीं, 20x 30x ये कॉइन दे सकता है ड्यूरिंग फीफा वर्ल्ड कप के जो है ना वो दौरान उसके, जब फीफा वर्ल्ड कप शुरू होगा और जारी रहेगा उसके दौरान ये आपको इजीली 10x 15x 30x तक इजीली दे सकता है, उससे 150x भी लगा सकता है। अपना हाई, इसका हाई देख लें, लास्ट 1 ईयर $1 से ऊपर है और अगर यहाँ से ये हप जाता है तो 150% से ऊपर, यानी कि 160% से भी, 160x से भी ऊपर आपको प्रॉफिट दे सकता है। आपकी सोच होगी कि जितना आपको ये प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन अभी आपने इसको कहाँ बाय करना है, आप इसको बाय कहाँ कर रख सकते हैं, KU कॉइन पर आपको ये इस टाइम मौजूद है, XDP USDT में भी है और BTC PM के साथ भी ये ट्रेड कर रहा है और यूनिस्वैप में है, gate.io में भी है। बाकी कोई ये मैं इतने नहीं अच्छे समझता एक्सचेंज, आप इन तीनों एक्सचेंज में किसी एक पर ट्रेड कर सकते हैं, ये काफ़ी जो है वो अच्छे, KU कॉइन बेस्ट है, इनमें से भी बेस्ट है KU कॉइन, इस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं इसका ओवरव्यू थोड़ा सा आपको देता चलूं तो कैंडल्स चार्ट भी हम ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा, तो उससे पहले अगर मैं नीचे आऊँ तो स्टैटिस्टिक्स मैं आपको इसके दिखाता चलूँ, तो लोग क्या कहते हैं और ये स्टैटिस्टिक क्या कहती है। तो ये थोड़ा सा नेट का इशू है, इस वजह से ये लोड नहीं हुई। तो ये देखिए ये हो गया जी 59 52, ये काफ़ी अप जाता नज़र आएगा आपको। ये देखें
8 नवंबर को ये इसने कितना यानी कि अप गया है और ये आपके सामने है ये सारा चार्ट, सही है। तो ये मज़ीद ये देखें, ये गया है जी तकरीबन 9 पॉइंट के ऊपर गया है, जो 59 पर है ना, 94 990 पर ये गया है, 3-4 दिन पहले की बात है। और ये देख लें यहाँ तक ये गया है, ये कब गया, 11 अक्टूबर को, यानी कि एक माह पहले इसने जो है वो आप सोच सकते हैं कि 0.016 यहाँ तक ये अप गया एक माह पहले। तो एक माह बाद भी अगर आप ये डाउन आया है, यहाँ से ये डाउन आया हुआ है, बहुत ज़्यादा डाउन आया हुआ है, और यहाँ से आप इसको बाय करके रखें, और अब अगर ये अपने एक माह वाले हाई पर भी जाता है 0.016 तो सोचें आपको ये कितना प्रॉफिट देकर जा सकता है, अच्छा खासा आप इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, बहुत जो है वो बेहतरीन कॉइन है। और ये देखें यहाँ से ये सीधा नीचे आया है, नीचे की जानिब ये इसने ट्रेड की है, ये देखें कितना नीचे आ चुका है, ये देखें ठीक है। अभी इसकी ये यहाँ इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगी, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट यहाँ इसकी रेजिस्टेंस बनेगी, तो देखें क्या करता है। मेरे हिसाब से ये अभी भी बहुत डाउन है, यहाँ इसको बाय करके रख सकते हैं, अगर ये यहाँ इसको ये ब्रेक कर गया तो फिर ये यहाँ आने तक इसको कोई नहीं रोक सकता, सही है। तो ये अच्छी ट्रेड है, मैंने कहा सोचा कि आपको बता दूं, और स्टैटिस्टिक्स थोड़े से शेयर कर दूं आपके सामने। लास्ट 7 डेज हाई लो आपके सामने ये देखें, और उसके बाद 30 डेज का भी आपके सामने ये देख सकते हैं आप, कितना लो लगाया उसके बाद हाई देखें, और 90 डेज का देखें कितना लो है और हाई देखें, और आप देखें ऑल टाइम हाई ये है और ऑल टाइम लो ये है। एक साल पहले इसने 16 नवंबर 2021 को इसने $1 का हाई लगाया, और मुमकिन है कि इसी माह हाई अगर इस माह इसने लगा दिया तो आपको देखें 160x से ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है, जो कि किसी और कॉइन में नहीं मुझे दिखाई दे रहा। तो ये एक अच्छा कॉइन था, अब मैंने अपनी रिसर्च करके आपके सामने ये शेयर किया, आगे आपकी मर्ज़ी है आप इसको बाय करें ना करें। मेरा टारगेट इसका पहला जो है वो है जी 0.025, ये मेरा ये इसका पहला टारगेट है, और आगे आपकी मर्ज़ी है आप इसको बाय करें या ना करें, मेरा टारगेट आपको मैंने बतला दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको और वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्लेमर देता चलूँ मैं आपके प्रॉफिट और लॉस का कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ, आपने रिसर्च करके इस कॉइन में अपने ट्रेड लेनी है, अपने कैपिटल लगाना है, मैं आपके प्रॉफिट लॉस का कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक और शेयर वीडियो को लाजमी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।